हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गनियन बनी। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है कि जब किसी के रैबिट जो जैसे मेरी फीमेल ने बच्चे दिए थे तो उसमें बहुत सारे मेल होते हैं, बहुत सारे फीमेल होते हैं। उसी से हमने वही मतलब हमने वो देखा, उसके बाद सोचा हमने कि इस पर वीडियो बनाएंगे। तो उसमें होता क्या है कि जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब मेल बड़े हो जाते हैं, फीमेल बड़ी हो जाती हैं, तो आपके पास कितना भी बड़ा केज हो तो उसमें आप साथ में रखेंगे तो फीमेल और मेल या फीमेल फीमेल में कोई दिक्कत नहीं होती। तो उसमें जो मेल होते हैं, मतलब जैसे आपने उसमें तीन मेल हुए या तीन फीमेल हुई, तो तीन फीमेल आराम से रहेंगी खाएंगी, वो तीन मेलों से कोई दिक्कत नहीं। वो तीन मेल एक दूसरे पर लड़ेंगे और हमेशा मतलब ऐसा लड़ेंगे कि किसी ना किसी के खून निकाल लेंगे। मतलब कहीं बाल पे काट लिया, कहीं इस पे नोच लिया, पंजा मार दिया, कभी आँख में पंजा मार दिया तो पानी निकल रहा है, ये सब प्रॉब्लम हमने देखी है। तो हमने सोचा इस पे वीडियो बनाएं। तो होता क्या है कि जब दो मेल होते हैं तो अगर वो आपने फीमेल भी रखी है, मेल भी रखा है, तो वो ब्रीडिंग के चक्कर में, मेटिंग के चक्कर में एक दूसरे से फाइट करते हैं। तो उसमें जो फीमेल मतलब एक दूसरे को हराने के लिए लड़ते हैं, जब तक कोई दूसरा या तो हार ना मान ले, मतलब जो उनके उसमें होता होगा, या तो वो कोई घायल ना हो जाए। तो ये हमारे जिसमें जो होता था तो उसमें दोनों जो फीमेल मतलब जो मेल थे दोनों घायल हो जाते थे। मतलब किसी के इधर चोट लगी तो किसी के इधर लगी, किसी के इधर। तो हमने ये सोचा और कही हमने हमारे भाई हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे मतलब उनसे व्हाट्सएप पर पूछा भी था कि ये प्रॉब्लम भी आप बताएं, तो हमने उनसे बताया भी था। तो अगर आप रैबिट लेने जाएं तो सबसे पहले अगर मेल या फीमेल आप लेते हैं तो आप तैयार रहिए कि उस 6 महीने या 7 महीने बाद वो बच्चे देंगी कंफर्म देंगी। तो उसमें क्या होता है, बच्चे इतने से होते हैं, मतलब जैसे उनमें ना उनकी खाल होती है, हमारे वीडियो में आपने देखा हो, खाल होती है, बाल होते नहीं हैं और आँख खुली नहीं होती, 12 या 13 दिन, कभी किसी किसी में 14 दिन तक उनकी आँखें नहीं खुलती हैं, बाद में आँखें खुलती हैं। तो होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो अगर आप ध्यान नहीं देंगे, मतलब फीमेल के खान पान सही नहीं रखेंगे या साफ सफाई नहीं रखेंगे तो बच्चे, या कहीं गर्मी लगती है, मतलब धूप पड़ जाती है या कुछ ऐसा कुछ गर्मियों में, तो उनकी डेथ होना तय है मेरे हिसाब से, जितना मैंने देखा है। तो यही होता है कि आप जो फीमेल या मेल या फीमेल लेके आएँ, तो बहुत लोग ले आते हैं तो उनको पता नहीं होता है ऐसा कुछ होगा, तो बाद में जब बच्चे देती हैं तो बच्चे उन्होंने दी, फिर उन्होंने एक ही केज में रख दिए, तो वो फिर से मेटिंग कर ली, 28 दिन बाद उन्होंने फिर बच्चे दी, तो परेशान हो जाते हैं, करें क्या, बच्चे आधे मर जाते हैं, एक दो बच्चे बचे तो वो उनको दुख भी होता है कि बच्चे मर रहे हैं या परेशान हैं। तो ये अगर आप इसका सॉल्यूशन यही है कि न्यूट्रल मेल मिल जाए तो न्यूट्रल आपको, या तो मेल पहले से न्यूट्रल कराया बहुत कम ही मिलता है, तो वेट जो होते हैं मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो न्यूट्रल करते हैं, तो जो छोटे शहर हैं वहाँ ऐसी सुविधाएँ होती नहीं, बड़े शहर हैं वहाँ पर होती हैं। तो इसके न्यूट्रल आप मान लीजिए मान ना हो तो इसके लिए होगा यही कि आप जब लेने जाएं तो दो फीमेल खरीदें, वो दोनों फीमेल साथ में रहेंगी, एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, हमेशा मतलब उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी और कोई दिक्कत नहीं, ना लड़ाई होगी। और फीमेल मेल की तुलना में शांत भी बहुत होती हैं, मेल कभी कभी काटने लगते, जैसे मेरे यहाँ भी एक मेल था वो काटता था, अब फिलहाल तो नहीं, हमने दूसरे को दे दिया, किसी कोई लेने आया तो हमने उसको दे दिया, तो वो काटता था उंगली, मतलब कभी बहुत काटता था। तो ऐसा होता है कि जब दो मेल में, अगर आप बहुत सोचे कि हम दो मेल ले आए तो क्या होगा, दो मेल ले आएंगे तो एक का मरना तय है जितना हमने देखा है, क्योंकि लड़ाई करेंगे एक दूसरे को हराने के लिए, मतलब ताकतवर कौन होता है, मतलब उनकी भाषा में ताकतवर कौन होता है ये साबित करने के लिए, जैसा कि सब जानवरों में होता है जो मेल मेल में होता है, मतलब फीमेल में ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम रैबिट लेने जाएं तो सबसे पहले देखें कि कौन सा बच्चा, सबसे पहले हमने वीडियो डाली भी है, कौन सा बच्चा हरकत कर रहा है, मतलब घूम टहल रहा है, उछल कूद रहा है, ये देखें। अगर ये कर रहे हैं तो उनको खरीदें। मेल अगर आप बच्चे नहीं चाहते कि हों, और फिलहाल अगर आप उनकी लाइफ अच्छी चाहते हैं तो फीमेल जैसे हमने हमारे यहाँ जो फीमेल उसने 3 बार बच्चे दिए हैं तो हम आगे उससे मेटिंग नहीं कराएंगे इसके लिए, ताकि उसकी लाइफ अच्छी जाए। इसके लिए तो हमने मेल पहले से ही हमारे बाहर रहता है, सेपरेट है, मतलब फीमेल मेल हमने सेपरेट कर दिए हैं। तो ये सब प्रॉब्लम सबके में आती है। तो वो फीमेल आप लेंगी, मतलब आप लेंगे तो वो मेल से बेटर रहेंगे और उनकी लाइफ अच्छी जाएगी, बस यही हमको बताना है। तो अगर बस आपको और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और फिलहाल जितना हमको समझ में आया हमने आपको बताया। अब ये दो फीमेल्स हैं मेरी, मतलब जो उसकी मतलब किट्टू ने पहली बार बच्चे दिए थे, तो हमने सारे बच्चे मम्मी ने दे दिए जो मम्मी लेने आया, तो ये दो हमने रख लिए थे क्योंकि ये
सबसे बड़े बच्चे थे, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया डाला है कि जो उसने दोबारा बच्चे दिए उसमें दो बच्चे बड़े हैं, उस टाइप के ये दो थे, ये दोनों फीमेल थी। तो इसको हम एक केज में रखते हैं और हमने देखा है कि ये दोनों बहुत अच्छे से रहती हैं और हम मुझको हमको पसंद भी है, हम केज के पास जाएं या भाई जाएं या मम्मी जाए कोई भी जाए तो ये केज के पास बिल्कुल आके चिपक जाते हैं, जैसे इनको हम छुएं या ऐसे सहलाएं या कुछ। और गर्मियों में होता क्या है कि एक आध दिन अगर इनकी गर्मी लापरवाही समझिए मेरी, जो दो चार दिन को गर्मी लग गई थी तो उससे यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया था, मतलब इन्फेक्शन यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन जैसे सबको होता है, आदमी जो भी जीव है चाहे आदमी हो या जानवर हो तो होता है, तो इसके यहाँ पे हो गया था, बहुत सारा हो गया था। तो फिलहाल ये देख सकते हैं आप बिल्कुल सही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल परसों तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हो गई, हमने सोचा इसको भी हुआ था लेकिन ये सही हो गया था, इसको तो बहुत थोड़ा सा हुआ था, इसको ज़्यादा हो गया था, सही हो गया। अब हमको जहाँ रहते हैं वहाँ पे पंखा लगा दिया है, ये आराम से रहते हैं, तो वही हमको हमने सोचा कि वीडियो डालें, क्योंकि फीमेल मेल से बेटर होती हैं और वो शांत होती हैं, वो खेलती कूदती भी उतना ही तामील करते हैं, लेकिन मेल कभी कभी एग्रेसिव होते हैं, काटते भी हैं, और फीमेल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करती जितना हमने रखा है और जितना मेरा एक्सपीरियंस है। तो बस यही मेरा वीडियो है कि आप कभी भी रैबिट लेने जाएं तो उनकी हेल्थ के लिए, आप अपने लिए फीमेल लें बस। जो भी जानकारी छूटी हुई आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों या किसी जान पहचान में वीडियो शेयर करिए जो आप जो पेट लवर हो। धन्यवाद।